हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर थ्री की। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नंबर वन और नंबर टू। मैंने आपको बहुत डीपली समझाया था कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। पहले भी बताया था कि प्लीज़ आप एक सिंगल नंबर को देख के जज मत कर लीजिए कि आपकी लाइफ ऐसी होगी। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमें जानना ज़रूरी है कि 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम उनके कॉम्बिनेशन को फिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन आप कर पाएंगे अपने बारे में। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपका जैसे अगर सपोज़ कीजिए ये न्यूमरोलॉजी नंबर अगर आपको देखना है तो आप दो नंबर्स होते हैं इसमें, एक बेसिक नंबर होता है, एक डेस्टिनी नंबर होता है। अगर आप अपनी डेट की ये जो DD लिखा हुआ है, सपोज़ कीजिए आपकी डेट 30 है या 03 है, तो उनको का सम करते हैं। अगर उनका सम आता है 3 तो आपका बेसिक नंबर है 3। अगर इन सबको टोटल करके आपका सम आता है 3 तो आपका डेस्टिनी नंबर 3 है। बेसिक नंबर 30 से पहले या 30 साल की उम्र से पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो थर्ड नंबर, जैसा कि फर्स्ट नंबर मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर होता है सन का, सेकंड नंबर होता है मून का, उसी तरीके से जैसे कि क्योंकि हर एक प्लैनेट के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, तो थर्ड नंबर होता है वो होता है हमारे जुपिटर का। ठीक है, तो थर्ड नंबर जैसे जुपिटर होता है, जुपिटर हमें बताया गया है, जुपिटर हमारे गुरु हैं, विजडम है। तो थर्ड जो तीन जिसका नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3 होगा या डेस्टिनी नंबर 3 होगा, बेसिक नंबर 3 होगा, तो वो जातक अपने आप ही एक होंगे, काफ़ी लॉयल होंगे। ये लोग किसी को कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन मल्टीपल 3 नहीं होने चाहिए, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा। ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, काफ़ी लॉयल होंगे अपने काम के लिए, अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, अपने माता पिता की सेवा करने वाले लोग होंगे ऐसे। और ये अपने माता पिता को किसी हाल में कभी छोड़ेंगे नहीं, उनको कभी मतलब बेसहारा नहीं होने देंगे, उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये काफ़ी एक टीचर होंगे, एक लोगों को मोटिवेट करने वाले लोग होंगे, ये समाज को आगे बढ़ाने मतलब एक आप कह सकते हैं कि लिटरेट बनाने की जो एक पहल होती है ये वो इनिशिएट करेंगे। इनके अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट होगा, काफ़ी अच्छा नंबर होता है 3। अगर आप हमें देखिए स्पिरिचुअल लीडर्स जितने भी होते हैं इनके अंदर कॉम्बिनेशन 3 का आएगा ही आएगा। आप चाहे किसी का भी उठा के देख लीजिए, 3 नंबर उनका उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 नंबर ही, क्योंकि गुरु 3 नंबर होता है जुपिटर, जुपिटर मतलब गुरु। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि ये किस चीज़ के होता है। कॉन्फिडेंस के भी कारक होते हैं, मेल प्लैनेट है। और अगर ये आपकी कुंडली में, अगर सपोज़ कीजिए आपकी न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं कहीं पे 3rd या मल्टीपल टाइम नहीं आने चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए मल्टीपल टाइम नहीं आने चाहिए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव माने जाएंगे। आगे हम अभी डिस्कस करते हैं, देखिए कि नंबर 3 है, सपोज़ आप बेसिक नंबर प्लस कर लेंगे, सॉरी मैंने यहाँ से गलती से लिख दिया, ये नंबर 3 होगा यहाँ पे, प्लीज़ ये इसको वो कर लीजिएगा, ये नंबर 3 होगा। ये अगर आपको इनिशियली ये 3 + 0 को आप सम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और डेस्टिनी नंबर इनका आएगा 7। अब बस देखिए सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होंगी 3 की, बस इतना ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे 30, 03 आ गया तो जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं वो सब उल्टी हो जाएंगी, सब पूरी मतलब आप समझ लीजिए फिर ये थोड़ा सा दिखावा टाइप का ज़्यादा हो जाता है। ये जो होंगे ज़्यादा कि दिखावा ज़्यादा करेंगे, नॉलेज कम होगी उस। अगर आप प्योरली नंबर 3 है तो बहुत अच्छा है, अगर प्योर नंबर 3 नहीं है, मल्टीपल नाइन 3 है, तो दिखावा ज़्यादा होगा, फेक होंगे ये लोग, लॉयलिटी हो सकती है, नॉलेज थोड़ी बहुत होगी, बट उस नॉलेज को ये गलत उपयोग करेंगे। फैमिली के सुनने वाले नहीं होंगे, माता पिता की नहीं सुनेंगे, वाइफ को ज़्यादा फेवर करेंगे माता पिता के कंपैरिजन में। तो मल्टीपल टाइम 3 नहीं आना चाहिए, अगर सिंगल 3 है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है इसको बनाने में, ये यहाँ पे 3 आएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है जिसका सम 3 आ रहा है तो आपका बेसिक नंबर 3 होगा, डेस्टिनी नंबर इस हिसाब से 7 बनता है। आगे देखेंगे 3 और 7 के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। 7 लक का नंबर होता है, केतु प्लैनेट होता है, लक का फैक्टर होता है, ट्रैवलिंग का होता है, काफ़ी अच्छा नंबर है, लकी होते हैं ये लोग जिनका डेस्टिनी नंबर 7 आ जाता है या फिर कहीं भी 7 आ जाता है, जो कि मल्टीपल टाइम नहीं होना चाहिए। मैं मल्टीपल टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्लैनेट जिस जो मल्टीपल टाइम आपके उसमें रिपीट हो रहा है वो उसकी नेगेटिविटी बढ़ाता है, पॉजिटिविटी कम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आपको लाइव में उसका आंसर बताऊंगा कि क्या क्या आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, कहाँ पे न्यूमरोलॉजी नंबर आपका वीक पड़ रहा है, किस तरीके से उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, कैसे इसको एक्टिवेट करना चाहिए। जल्दी नंबर 7 को एक्टिवेट करना चाहिए अगर आप इस केस में बात करें, बजाय कि नंबर 3 के 7 नंबर को कैसे एक्टिवेट करें। तो ये सब चीज़ें हम लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि क्या अगर आप अपनी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए, अगर 3 आ रहा है क्या आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं या नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।